गरीब सब्ज़ी फरोश। शौकत अली बरसों से हज पर जाने की तैयारी कर रहा था। इसने तिनका तिनका जोड़कर अब इतनी रकम जमा कर ली थी कि हज का खर्च बर्दाश्त कर सकता था। वो हज पर जाने के लिए तैयार था कि इसने एक रात ख्वाब देखा कि वो खाना काबा के करीब पहुंच चुका है, लेकिन जूं ही खाना काबा की तरफ दौड़ लगाता है तो काबे के अहाते का दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये ख्वाब इसने मुसलसल दो रात देखा। गांव के मौलवी साहब ख्वाबों की दुरुस्त ताबीर बताते थे। इसने मौलवी साहब से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। मौलवी साहब ने इसे पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार है? शौकत अली ने जहन पर जोर देकर कहा, हाँ, बराबर वाले घर में मोहम्मद सिद्दीक को हेपेटाइटिस का मर्ज है। बीमारी ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। वो शहर के किसी अस्पताल में इलाज कराना चाहता है, लेकिन गुर्बत की वजह से अपना इलाज करवाने से महरूम है। मौलवी साहब ने शौकत अली से कहा, तुम्हारा हज तो तुम्हारे पड़ोस में है। शौकत अली ने शौकत अली बौखला गया। मौलवी साहब, क्या कहा? इसने मौलवी साहब से पूछा, मेरा हज मेरे पड़ोस में क्या मतलब? मौलवी साहब ने शौकत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई शौकत, तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम अपनी जमा की हुई रकम मोहम्मद सिद्दीक को दे दो ताकि वो अपना इलाज करवाए। मुमकिन है तुम्हारी इस नेकी से तुम्हें कबूल हाज जितना सवाब मिल जाए। शौकत अली ने खुश होते हुए कहा, क्या ऐसा मुमकिन है? मौलवी साहब ने ऊपर उंगली उठाकर कहा, अल्लाह से उम्मीद है कि वो तुम्हें इस नेकी का हज के बराबर ही सवाब देगा। शौकत अली ने खुशी खुशी अपनी जमा की हुई रकम मोहम्मद सिद्दीक को दे दी। एक माह बाद सिद्दीक ठीक होकर घर वापस आ गया। एक दिन मोहम्मद सिद्दीक ने ख्वाब देखा कि कोई शख्स कान में कह रहा है कि अपने मोहसिन शौकत अली को बता दो कि इसने जो नेकी तुम्हारे साथ की, अल्लाह ताला ने खुश होकर इसका हज कबूल कर लिया है।